उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के चलते बिजली चोरों के हौसले बुलंद हो गए, जिसके चलते ट्रांसफार्मर को ओवरहीट होने और बिजली के तारों में लगातार आग लगने की शिकायत बिजली विभाग को मिल रही थी, जिसके चलते बिजली विभाग ने आज पुलिस फोर्स के साथ क्षेत्र में बिजली चोरी पर कार्यवाही की तो उसमें पुराने बिजली चोर तो पाए ही गए बल्कि नए चोर भी भारी संख्या में मिले। खुर्जा की बिजली विभाग टीम ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की। इस छापेमारी में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और मीटर में गड़बड़ी कर बिजली चोरी पाई गई है। बिजली विभाग ऐसे उपभोक्ताओं पर FIR कर इस समस्या से निपटने की तैयारी कर रहा है। तस्वीरों में दिख रहे ये बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं जो क्षेत्र में बिजली चोरी पर कार्यवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। मौके से करीब हजारों मीटर चोरी की केबल को कब्जे में लिया गया है और इन सभी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही है। इसमें कुछ ऐसे भी बिजली उपभोक्ता हैं जिन पर पहले भी बिजली चोरी के मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसके बावजूद भी बिजली चोरी से बाज नहीं आए, जिसके चलते टीम ने कार्यवाही करते हुए बिजली चोरी पर लगाम लगाने की एक बार फिर कोशिश की। खुर्जा के अधिशासी अभियंता महेश उपाध्याय ने बताया कि पहले भी यह अभियान चलाया गया था, जबकि आज पुलिस की व्यवस्था कर अभियान चलाकर 70 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया है। इनमें पुराने चोर भी शामिल हैं जिन पर कार्यवाही की गई है। आज हमने कोट मोहल्ला और सरायउल्ला क्षेत्र में चेकिंग की है। जब से ये कोरोना महामारी पूरे खुर्जा में फैली है, 24 मार्च के बाद से लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन को देखते हुए हमारी चेकिंग पूरी तरह बंद हो गई और हमारे अभिवंता और हमारे द्वारा कोई चेकिंग नहीं हुई। उसका फ़ायदा उठाते हुए खुर्जा में मैक्सिमम चोरी हो रही थी और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। हमारे आए दिन ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहे थे, हम ट्रांसफार्मर को बैलेंस कराते थे और अगले दिन फिर अनबैलेंस हो जाते थे, उस जिसकी वजह से फॉल्ट भी सिस्टम में बहुत आ रहे थे। फॉल्ट आने की वजह से बार बार ट्रिपिंग हो रही थी। जहाँ हमारे क्वारंटीन सेंटर बने हुए हैं उन पर भी हम पर्याप्त बिजली नहीं दे पा रहे थे। हम पिछले 15 दिन से लगातार पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे थे कि हमें फोर्स दी जाए। हमने अपनी विजिलेंस से ही मांग करी लेकिन हमें विजिलेंस भी नहीं मिल पाई और ना ही पुलिस प्रशासन की सपोर्ट मिल पाई। फिर मैंने दोबारा से SPRA साहब से बात करी, CO साहब से बात करी। SPRA के इंटरवेंशन के बाद हमें आज फोर्स मिली। हम सुबह तड़के 5 बजे हमने 2 मोहल्ले चिन्हित किए, इनमें हमने चेकिंग करी और इनमें बड़ी भारी मात्रा में, अफसोस की बात यह है, लगातार हम चेकिंग कर रहे हैं इन मोहल्लों में। लगातार चेकिंग के बावजूद भी 3-3, 4-4 बार चोरी मिल रही है। एक व्यक्ति 5वीं बार आज चोरी में पकड़ा गया है। बिल्लू चौधरी नामक व्यक्ति है, उसने आज तक कोई असेसमेंट नहीं जमा करा। गद्दी मोहल्ले में है, भैंसें पालता है और लगातार उस पर हम चेकिंग कर रहे हैं लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा। उसी मोहल्ले में इसी तरह के कनेक्शन 3-4 बार पकड़े गए हैं। इसके अलावा सरायउल्ला में और कोट मोहल्ला में भी बड़ी भारी मात्रा में चोरी पकड़ी गई है। मार्च के लास्ट कोरोना महामारी शुरू होने से पहले हमने मार्च में वहाँ चेकिंग की थी, वही कनेक्शन हमने पहले चेक किए थे, आज पुनः चेक किए तो वो कनेक्शन चलते पाए गए। अधिशासी अभियंता का कहना है कि इस दौरान शासन के राजस्व को बहुत नुकसान हुआ है और अब इन बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी, Times 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।